आज हमारी मूमेंट्स जो दूसरी बुक है 9th क्लास की, उसका फर्स्ट लेसन है। पहले हम लोगों ने बिहेव के दो लेसन्स देखे, दो तीन पोएम्स देखी। आज हम लोग जो दूसरी हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, जिसको हम लोग मूमेंट्स कहते हैं, उसका जो फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्कराज आनंद ने लिखा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मुल्कराज आनंद के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो राइटिंग बैकग्राउंड था उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ वोकैब्स देख लेते हैं, जो वोकैब्स हमारी इस लेसन में यूज़ हुई है। विंट्री का मतलब होता है सर्दी, शेड का मतलब होता है छाया, रोड, रोड का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर बैठ के जाना करना, फेमिलियर मतलब परिचित, एक्वेंटिस जान पहचान वाला, जिसको एक्वेंटिस भी बोलते हैं। होल्ड का मतलब पकड़ना, थामना। एलीज का मतलब होता है रास्ता, गलियारा। इमर्ज का मतलब बाहर निकलना। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता या मानव। ब्रीमिंग का मतलब होता है लबालब, फूल भरा हुआ। लाफ का मतलब हंसी, हंसना, जॉयफुलनेस। फैसिनेटेड का मतलब सम्मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। हरी, हरी का मतलब जल्दी, फटाफट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। हम लोग लिखते थे पहले हमारी जो फॉर्मल लेटर्स होते थे उसमें ओबीडियंट स्टूडेंट, अब उसको बदल के हमने फेथफुली कर दिया है। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे हटते हुए। सप्रेस का मतलब दबाना, प्रेस, सप्रेस। डिजायर का मतलब इच्छा। रिफ्यूजल मतलब इनकार करना। प्लीड मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। टायरेंट मतलब निरंकुश, निर्दयी, क्रूर। टेंडर का मतलब कोमल। पेल का मतलब पीला, पीला पड़ जाना। इवन का मतलब समतल, इवन ओड होता है हमारा, ओड मतलब उबड़ खाबड़, इवन मतलब समतल। वोम का मतलब कीड़े, कीड़े मकोड़े। ग्रो का मतलब वृक्ष समूह, मतलब आप ऐसे समझिए कि 4-5-7 पेड़ हैं, 8 पेड़ हैं, 10 पेड़ हैं, उनका एक एक साथ लगे हुए हैं, तो उनको हम लोग ग्रो कहते हैं। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना। गौडी का मतलब होता है चमकीले, गौडी मतलब चमकीले। ब्लैक बी मतलब भवरा। गेज का मतलब ताकना। फ्लटरिंग, फ्लैपिंग, दोनों का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, मतलब जो भवरे फड़फड़ाते हैं, जो अपने पंखों को तेज गति से मारते हैं, उसको हम लोग फ्लैटरिंग और फ्लैपिंग बोलते हैं। अब्रिस्ट का मतलब आगे बढ़ना। एज का मतलब किनारा। इंसेक्ट कीड़े, वही वॉर्म इंसेक्ट। शावर मतलब बौछार होना, हल्की फुल्की जो बौछार होती है उसको शावर कहते हैं। पेटल का मतलब पंखुड़ी। कूइंग का मतलब गुटरगू करना, और डव का मतलब कबूतर। विंडिंग का मतलब घुमावदार। नियर का मतलब नज़दीक, घुमा विंडिंग घुमावदार। थ्रॉक्स का मतलब भीड़, क्राउड। वर्लफूल का मतलब बहर, वर्लफूल जो होता है आपका वॉशिंग मशीन होती है जो इस तरीके से घूमती रहती है, वर्लफूल। और हॉक्ड का मतलब होता है आवाज़ लगाना, वहीं से शब्द आया हमारा होकर। होकर का मतलब क्या है, जो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचता है उसको हम लोग कहते हैं होकर। तो ये हमारी वोकैब्स थी। अब द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद ने लिखा है। मुल्कराज आनंद वॉज अ रिनाउंड नेम इन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश राइटिंग। अगर हम लोग बात करें कि जो इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश राइटिंग्स में अपने हाथ आजमाए, फिर चाहे आप वो मुल्कराज आनंद ले लीजिए, फिर चाहे आप आर के नारायण ले लीजिए, फिर चाहे आप कमला दास ले लीजिए, फिर चाहे आप रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, तो ये ऐसे रिनाउंड राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने जॉनरर्स में लिखना अपने हाथ आजमाया और बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त की। आप देखेंगे कि आर के नारायण भी अपने नॉवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने मालगुडी बनाया था। उसी तरीके से मुल्कराज आनंद अपनी स्टोरीज़ के लिए फेमस। उसके बाद आप देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने प्लेस के लिए फेमस है, कमला दास अपनी ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशनल पोइट्रीज़ के लिए फेमस है। तो इस तरीके से अलग 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 राइटर्स हुए अलग अलग एरा में, अलग अलग समय में, जिन्होंने अलग अलग तरीके से लिखा, और सबका मेन जो फोकस था, सबका जो मेन एरिया था, वो था कि भारतीय संस्कृति, कल्चर्स को, भारतीय सोसाइटी को, समाज को किस तरीके से वो एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट कर सके विथ सिंपैथी एंड इमोशंस। सबका मेन फोकस जो था वो था इमोशंस, के किस तरीके से इमोशनली वो टारगेट कर सके, किस तरीके से जो इमोशनल वर्ल्ड है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन ह्यूमंस का, या हमारे घर परिवार का,
उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया था। द लॉस्ट चाइल्ड में भी क्या है, कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी को मुल्कराज आनंद ने फोकस करने की कोशिश की है, या समझने की और समझाने की दोनों कोशिश की है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये लेसन हमारा आगे बढ़ता है। उसके पहले इंट्रोडक्टरी वर्ड बिफोर यू रीड में दे रखा है हमको, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ फेयर मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयस, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है, उत्सुक है, और क्या चाहता है, उत्सुकतावश वो खिलौने चाहता है, उत्सुकतावश वो मिठाइयाँ चाहता है जो कि दुकानों में दिखाई दे रही है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको मना कर देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मांग दिया है हमको, प्रश्न पूछा है कि जब वो उसके मम्मी पापा से बार बार जिद करता है तो उसके मम्मी पापा उसको मना कर देते हैं चीज़ देने के लिए या वो टॉयज़ और स्वीट्स दिलाने के लिए, लेकिन जब कोई दूसरा उनको ये ऑफ़र करता है तो वो क्यों मना कर देता है, वो लड़का, छोटा लड़का क्यों मना कर देता है, उसका आंसर हम आगे इस स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत, बसंत ऋतु का समय है, सर्दियाँ जा रही है, बसंत ऋतु आ रही है, उसका समय है और एक मेला लगा हुआ है, एक उत्सव का आयोजन हो रहा है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, कि सर्दी का समय है और पतली पतली गलियों में से, एंड एलिस इमर्ज्ड गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, क्लेड का मतलब कपड़े, कि पतली पतली गली रास्तों से, गलियारों से चमकीले, गेली मतलब चमकीले, ब्राइटन कपड़े पहने हुए लोग निकल रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, कि कुछ लोग क्या है, बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी में भी जा रहे हैं, अपना सफ़र तय कर रहे हैं। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और एक छोटा सा लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है अपने पिता के पैरों के बीच में से होते हुए, बड़ा ही हर्षो उल्लासित है, बड़ा ही ब्रीमिंग मतलब लबालब भरा हुआ है खुशी से, जीवन से, लाफ्टर से, उसको बड़ा जोयस लग रहा है कि आज वो मेले को देखने के लिए जा रहा है। तो उसका ये जो अनुभव है, ये अनुभव को लेके वो बड़ा ही क्यूरियस है, बड़ा ही बेहद ही खुश है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयस इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, कि उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जब वो पीछे रह जाता है वो क्या करता रहता है, ऐसे ऐसे करके ताकता रहता है जो दुकानें दिखाई देती है, दुकानों पे टॉयज़ होते हैं, दुकानों पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ की चीज़ डिस्प्लेड हो रखी होती, टंगी होती है, तो उनको देख के वो इतना मोहित हो जाता है कि वो क्या करता रहता है, उन्हीं को ताकता रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट उसको कहते हैं कि बेटा आगे आओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर तुरंत उसके आज्ञा का पालन करते हैं और फटाफट से वो भागते हुए अपने पापा के पास चला जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयस, कि जो खिलौने पीछे गए हैं उनकी तरफ अभी भी उसकी नजरें टकटकी लगाए हुए देखती रहती है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. फिर जब वो वहाँ जाके रुकते हैं वहाँ पे, फिर और खिलौनों की दुकानें होती है, तो उन दुकानों के देख के उसके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को क्या करता है, वो दबा नहीं पाता, सप्रेस दबा नहीं पाता, और वो क्या करता है, इच्छा जाहिर करता है। क्या इच्छा जाहिर करता है, अरे प्लीज़ मुझे खिलौने दिला दीजिए, अरे प्लीज़ मुझे मिठाई दिला दीजिए, जबकि उसको पता है वो उसके पेरेंट्स की आंखों में देख रहा है रिफ्यूज़ल, मना ही देख रहा है, कोल्ड रिएक्शन मतलब ठंडा रिएक्शन देख रहा है कि पेरेंट्स उसको वो चीज़ दिलाने वाले हैं ही नहीं। पहले से उसको घर से समझा के लाएगा, अगली बार अगर तूने ऐसा किया या अभी तूने ऐसा किया कि बार बार जिद की या कोई चीज़ के लिए वहाँ पे नाटक किया, मांगा, तो अगली बार तेरे को मेले में लेके नहीं जाएंगे, इस तरीके का पहले से उसको समझा के लेके आए हैं। और वो सारी रिएक्शन उस उन पेरेंट्स की आंखों में दिख रही है और उनको वो समझ भी रहा है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो प्रार्थना करता है कि अरे मुझे ये खिलौना दिला दीजिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अब उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको आँखें खोल के
लाल गुस्से वाली आंखों से देखते हैं, निरंकुश आंखों से, निर्दयी आंखों से, जैसे कि वो मना कर रहे हों। ही इज़ मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वो स्टैंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेट लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब उसकी माँ पूरी सिचुएशन को भाप लेती है, उसके पिताजी गुस्सा हो गए हैं, तो वो तुरंत क्या कर देती है, टॉपिक को बदल देती है, और बदलने के बाद उसके पिताजी को कहती, अरे बेटा देखो, इधर देखो, देखो कितना अच्छा सुहावना दिन है, कितनी कोमल सी सुबह है, जल्दी आओ देखो वो सामने क्या। इस तरीके से टॉपिक को बदल के और माहौल को खुशनुमा बना के आगे ले जाने की कोशिश करती है। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैन। कि पूरी समतल मैदान है, सामने पूरे समतल खेत फैले हुए हैं, और खेतों में क्या है, मस्टर्ड फील्ड है, मतलब सोयाबीन से भरे हुए खेत है, जिसकी आप यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि क्या है, वो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने को पिघला के डाल दिया हो, मतलब पूरा पीला स्पन लिए हुए वो नज़र आता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वहाँ पे क्या नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे मुल्कराज आनंद ने, जो आपको पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की है कि जो मस्टर्ड फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सोयाबीन के खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको पिघले हुए सोने के जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे एक वर्णन किया है, भौरों का वर्णन किया है, टिड्डियों का वर्णन किया है, कि किस तरीके से वो एक साथ झुंड बना के आ रहे हैं, अपने पंखों को फैलाते हुए, आवाज़ करते हुए, और वो उन फूलों पे मंडरा रहे हैं ताकि उन फूलों का मीठा रस वो चूस सके। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और वो क्या करता है कि उन भौरों का पीछा करता है, उन तितलियों का पीछा करता है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इन विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। कि जब वो किसी जगह पे जाके, किसी फूल पे जाके, किसी पौधे पे जाके, जैसे ही वो भंवरे वो तितलियां बैठ जाती है, तो वो लड़का क्या करता है, उनका पीछा करता है और पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उन पे हाथ लगाता है, तो क्या है, फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जैसे ही वो उसको पकड़ लेता है, वो हवा में तुरंत उड़ जाते हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। तभी उसकी माँ क्या करती है, एक सावधानी भरी चेतावनी उसको देती है, चलो बेटा चलो हम आगे जा रहे हैं, चलो फुटपाथ पे आ जाओ, जो पगडंडी बनी हुई है वहाँ पे आ जाओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अप्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। अब वो लड़का भी क्या करता है, उसके मम्मी पापा के पीछे पीछे जाने लग जाता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब फिर से वो क्या हो जाता है, उसके मम्मी पापा फिर से आगे चले जाते हैं, वो फिर से ताकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक नया अनुभव है। बच्चा जब घर से निकलता है तो कई नई चीज़ों को देखता है, कई नए वातावरण को वो अनुभव करता है, तो उसके लिए जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो वो क्या करता है, उत्सुकतावश, क्यूरियोसिटी के साथ उन चीज़ों को देखता है, निहारता है, उनको समझने की कोशिश करता है, उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। तो उसको जब रास्ते में वो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स दिखाई देते हैं, जो कि सर्दी की वजह से धूप सेकने के लिए अपने छुपे हुए घरों में से बाहर निकलते हैं, तो वो उनको देखता रहता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल। अब फिर से उसके मम्मी पापा आवाज़ लगाते, चलो बेटा चलो बेटा। अब क्या होता है, वो इंसेक्ट्स को ताकता रहता है, कीड़े मकोड़े को देखता रहता है, तो वो क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। उसके मम्मी पापा आगे निकल के और एक वृक्ष कुंज के नीचे, मतलब पेड़ की छाया के नीचे, एक कुएं के पास बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, तो उसको वहाँ से आवाज़ निकालते हैं, ही रेन टूवर्ड्स देम। फिर से वो भाग के और उनके पास जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो। जैसे ही वो उस वृक्ष कुंज के नीचे जाता है, हवा की चलने की वजह से क्या होता है, ऊपर से कई सारे फूल उसको गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब वो क्या करता है, उसके मम्मी पापा को भूल के और उन पत्तियों को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो ही हर्ड द कमिंग ऑफ डव
cooing of dove and ran towards his parent shouting the dove, the raining petals drop from his forbidden hands. लेकिन तभी जब वो पत्तियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, तो क्या होता है, उसको एक कबूतर की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाओ, देखो कबूतर कबूतर इस तरीके से पुकारने लगता है, आवाज़ करने लगता है, और उसके हाथ से वो पत्तियाँ छूटने लगती है और वो वापस वहाँ पे चला जाता। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब उसके मम्मी पापा फिर से आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ लगाने के बाद एक सकरी गली से एक बनियन का ट्री है, एक बरगद का पेड़ है, जहाँ से क्या होता है एक सकड़ी गली गुजर रही होती है और आगे की तरफ क्या होता है बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हुए होते हैं। तो वो उस तरफ जो रास्ता खेत में से जाता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो बढ़ने लगते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुट पाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स। अब जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ते हैं तो उसको क्या है, कई सारे पतले पतले अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं जो गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां पे क्या है कई सारे लोगों की भीड़ है, सब लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, मेले का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लफुल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड ओ एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और बवंडर, लोगों का बवंडर उसको दिखाई देता है, कई लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लोग ही लोग उसको दिखाई देते हैं, और जब ये इन लोगों की दुनिया में वो प्रवेश करता है, अपने आप को क्या है संशयात्मक महसूस करता है। उसने कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था, घर पे रहता था, मम्मी पापा अंकल आंटी भाई बहन दादा दादी यहीं तक क्या है सीमित था, लेकिन जब आज उसने इतने लोगों की भीड़ एक साथ देखी तो देख के अपने आप को आश्चर्य महसूस करता है। अ स्वीट मीट सेलर हो गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब क्या होता है कि कोने की दुकान पे एक मिठाई वाला होता है जो चिल्लाता रहता है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, और वहाँ पे अलग अलग कलर की अलग अलग आकृति वाली मिठाइयाँ सजीवी रहती है, जिसपे सोने और चांदी का वर्क किया हुआ होता है, बर्फ चढ़ा हुआ होता है। तो उसको देख के वहाँ पे कई सारे लोगों की भी भीड़ जमा होती है, कई सारे लोग भाव पूछते हैं, कई सारे लोग मिठाई ले भी हो रहे होते हैं। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है इतनी सारी मिठाइयों को एक साथ देख के, और जब वो बर्फ़ी को देखता है जो बर्फ़ी उसको बेहद पसंद होती है, बर्फ़ी उसकी पसंदीदा मिठाई होती है, तो बर्फ़ी को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। अब उसकी इच्छा होती है कि मेरे लिए बर्फ़ी ले लो, लेकिन उसको पता होता है, उसको ये अंदाज़ा होता है कि उसके मम्मी पापा उसको बर्फ़ी नहीं दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कहते हैं, उसको वो लालची कह के पुकारते हैं, अरे तुम बार बार कोई ना कोई चीज़ मांगता ही रहता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करता है और बिना इंतज़ार के आगे बढ़ जाता है। घर वाले दिलाने वाले हैं ही नहीं, फालतू कुछ बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर सेलर होग्ड, अब एक फूल वाला चिल्लाता रहता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, के गुलमोर की माला, गुलमोर की माला। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टेबली ड्रोन, अब उसका ध्यान क्या जाता है, उस फूल माला की दुकान की तरफ जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, हिप्ड का मतलब ढेर, एंड हाफ मर्मर्ड। अब वो क्या करता है, एक टोकरी जहाँ जिसमें फूल रखे होते हैं उसके पास पहुँचता है और बड़बड़ाता रहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला दिला दीजिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हीम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब क्या होता है, उसको पता होता है घर वाले ये फूल भी मेरे को दिलाने वाले हैं नहीं, फिर भी वो क्या करता है, ये कोशिश करता है कि मुझे दिला दे,
लेकिन घर वाले मना कर देते हैं, क्या कहके दे वुड से दैट दे वर चीप, कि ये बड़े ही ख़राब है, अच्छे नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर से वो क्या करता है, बिना उसके उत्तर का इंतज़ार किए आगे की तरफ बढ़ देता है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक बच्चा बड़े भोलेपन से वो चीज़ों की भी डिमांड करता है जिन चीज़ों का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन उसका कलर, उसका आकृति उसको इतनी मोहित कर लेती है कि उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए क्या है, एक अच्छा खिलौना साबित होगी या मेरे लिए एक मनोरंजन का साधन साबित होगी। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग कल देखेंगे।